सबसे पहले जानना चाहूँगी मैं, ओवरनाइट हम हिना को देखते हैं कि वो बिग बॉस कर रही हैं, इतने शोज़ कर रही हैं, इतना प्यार मिल रहा है, और अचानक से रातों रात जो है वो जेल में आ जाती हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, उनको कस्टडी में चले जाते हैं। सो क्या कहना चाहोगी, जब वो फेज तो हम सबने बहुत प्यार किया है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हिना को कितना सपोर्ट मिल रहा है, और जेल में वो आई हैं, पार्टी करने गई थी, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, अलग अलग टाइप की पार्टी थी, कोई कह रहा है रेप पार्टी, कोई कह रहा है बर्थडे पार्टी, कोई कह रहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स ब्रेक किए गए हैं। आपको क्या कहना है हिना से, जो मतलब कौन सी पार्टी थी वो, क्या डिटेल्स आपके पास है? एक्चुअली वो तो सिर्फ बर्थडे पार्टी थी, वो हमें बोल के गई थी कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है दोस्त के, तो मम्मी ने भी बोला ओके ठीक है, जस्ट लाइक कुछ दिन की, दो तीन दिन की बात थी। बट अचानक से ये जो न्यूज़ आया हमारे लिए भी शॉकिंग था, बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एंड देन जब हमने मीडिया के कवर्स देखे जो उन्होंने एलिगेशन डाले, और मतलब बाकी सबको छोड़ के सिर्फ मेरी बहन का नाम उन लोग ने हाइप किया है, जो कि आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी सेंस कि उनका नाम अकेला हाइप हो। अगर कोई और भी फंसा रहेगा तो उन्होंने मेरी बहन का नाम डाल दिया कि ये सामान इसके पास मिला था, इसके पास मिला था। आर यू गाइज लाइक आप लोग थे नहीं थे ना? सो डोंट बिलीव ओनली वॉट पीपल लाइक जो बाहर के लोग जानते हैं, जो मेरी बहन को जानते ही नहीं है, ठीक है, जो जानते हैं जैसे हम हो गए या फिर उसके कोई और जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, अगर वो लोग कुछ बोले तो आप बिलीव करो ना। आप ऐसी मीडिया पे बिलीव करते हो जो सिर्फ मसाला छापती है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट है। एंड और ये पार्टी के बाद जो इंसिडेंट हुआ, मतलब मेरी बात हुई थी मेरी बहन से एक्चुअली, उसने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सीन हो गया है। मतलब मुझे सिर्फ ये बोला था कि पुलिस वुलिस आई थी, दैट्स इट, बट इतना सीन हो गया था। एंड देन अलग से वो एक एंगल आया प्रोस्टिट्यूटिंग का, आया बस लाइक ये क्या हो गया। सो लाइक दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस, वेरी लाइक डिसग्रेडिंग आर मॉरल, सब लाइक मॉरल ऑल्सो, के हमने लाइक मेरी बहन तो, हमने तो यही था कि हमारी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती है। सो वी डिडंट बिलीव एनी मीडिया पीपल, एनी पुलिस पीपल, जो भी वो न्यूज़ में था, हमने कुछ बिलीव नहीं किया। हमने जब तक मेरी बहन से हमारी, हमने सोचा कि जब तक हमारी बात नहीं होती बहन से तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बस हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि उसको बाहर निकालें, दैट्स इट। सो अभी हमारा वही फोकस है कि उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग वो के वहाँ से बाहर निकालें और उसको रिलीफ करें। फिलहाल तो अभी हमारा यही प्रोटोकॉल चल रहा है, दैट्स इट। आंटी की अगर मैं बात करूँ तो जब आंटी को पता चला था तो आपके लिए कितना शॉकिंग था, आपकी उस टाइम पे क्या आदत थी? अरे मैं तो बोल ही नहीं पाई थी, मैं बोला ये हो ही नहीं सकता, हिना बर्थडे पार्टी में गई थी, इधर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और हिना के दोस्त लोग भी ऐसे नहीं है कि ये सब कुछ करे, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बनाती है, उसकी पहचान भी अच्छी है, कोई उसके बारे में गलत, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती तो उसके बारे में कोई गलत सोच ही नहीं सकता। इसीलिए फिर बहुत ये हो गया था, घर पे खाना पीना किसी ने खाया नहीं, सब लोग उसके बात करने के लिए तड़प रहे थे। फिर एक बार हिना का फ़ोन आ गया कि मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तब आया वापस, उससे बात नहीं हो रही थी तो दो तीन दिन, अभी उसके पापा भी थोड़ा बीमार हो गए घर पे टेंशन में, इसलिए फैमिली के लिए ये बहुत ही इमोशनल भरा मोमेंट है वो दिख रहा है। आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने आज पहली झलक देखी हिना की तो वो सीन वह कैसा था, और उस झलक के बारे में जानना चाहूँगी। इतना रिक्वेस्ट किया गया पुलिस से तब जाकर आपको एक झलक देखने का मौका मिला, उस टाइम पे क्या हिना इमोशनल हुई, क्या आप रोए या वो रोए? हाँ मतलब मेरे आंखों से तो पानी आ ही गई थी, तो उसने मुझे यही बोला कि रो मत, पहले तो उसने मुझे वही बोला कि रो मत, मैं ठीक हूँ, और जो भी है हम लोग पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से ही जाएंगे, हम लोग कोई लॉ ब्रेक नहीं करेंगे एंड ऑल, एंड कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट्स इट। तो उसने मुझे वो ही बोला, एंड शी वॉज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग थी। एंड हाँ फैमिली की अगर बात करूँ तो ऐसे टाइम पे आप खुद कैसे सपोर्ट कर रहे हो, खुद स्ट्रांग बने हो, फैमिली को आप कैसे समझा रहे हो या कितना कंट्रोल कर रहे हो? अभी मैं तो लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू काम माई मॉम एंड डैड के शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो स्ट्रांग है, वो हैंडल कर रही है अपने आप को वहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे वो उसको इफ़ेक्ट वहाँ पे होगा, तो भी काम ठीक हो जाएगा जो भी है। हमने कुछ गलत नहीं किया तो ऊपर वाला भी हमारे साथ गलत तो करेगा नहीं, उतना तो हमें उन पर भरोसा है। आप लोग से जाना चाहूँगी, दो दिन हो गए हैं हिना को,
आप लोग कैसे 2 दिन कहाँ रह रहे हो, कैसी हालत में, कौन मदद कर रहे हैं, कौन नहीं, उसके बारे में है। उसके फ्रेंड्स लोग है अच्छे, वो हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि आंटी आप टेंशन मत लो, हम लोग आपके पीछे पड़े हैं, जैसा भी हिना का हुआ हम लोग कैसे भी करके हिना को ही करेंगे, वापस लाएंगे। तो हिना के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सपोर्ट है हम लोग को। इसके लाइक हमें बिग बॉस कंटेस्टेंट्स लोगों के भी कॉल आए एंड ऑल, सो ओला लाइक सबको पता है हिना कैसी, तो ओला वरिड एंड दे ओला सपोर्टिंग अस, हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे भी बोल रहे हैं कि अगर दीपाली कुछ भी तुझे ज़रूरत रहेगी कुछ भी, तो हमें जस्ट हम एक कॉल अवे है, सोचना भी मत, डे हो रात हो कुछ भी हो, जस्ट कॉल करना हमें, वी आर देयर टू सपोर्ट, और उसको खाने वाने का जो भी है वी आर देयर टू सपोर्ट। सो वो चीज़ की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, बस जो फैंस हैं हम उनको ही बोलना चाहेंगे कि आप भी वहाँ पर बैठे वहाँ पर उनको सपोर्ट करो हिना को, कि बिकॉज आई थिंक कि आप सबको भी पता है कि वो वैसी टाइप की, मतलब जो भी मीडिया बोल रही है वो वैसी नहीं है, इट्स जस्ट कि मीडिया को मसाला चाहिए तो उन्होंने अपना एंगल डाल के उसको प्रोट्रे कर दिया। और भी लोग हैं लड़कियां, सिर्फ जस्ट बिकॉज मेरी बहन आर्टिस्ट है तो आप लोग को मसाला मिल गया, आप लोग हाइप मिल गई आपका मीडिया चलाने के लिए, दैट्स नॉट राइट डिसीजन, दैट्स लाइक। बाकी तो हमें सपोर्ट तो उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे तो डेफिनेटली है, ओला लाइक एवरी डे, मतलब मैंने 2 दिन में मैंने एक बार भी मेरा फ़ोन ऐसे मैंने रखा नहीं है, आई एम जस्ट लाइक कंटिन्यूज ऑन फोन, मतलब मेरे भी एक्चुअली लाइक मुझे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बीच बीच में अभी भी, मतलब आई डोंट नो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज वॉट एवर इज लाइक मेरे जो भी दिमाग में आ रहा है आ भी नहीं रहा है, एक्चुअली जो भी है वही निकल रहा है, क्योंकि जो हुआ है वही बोलेंगे ना और क्या बोलेंगे हम, राइट। एंड ऐसे में अगर मैं पूछूं वकील क्या कह रहे हैं और उनको बेल कब मिलेगी और आगे अभी और कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो इसका कुछ अभी तक आपको कुछ अपडेट है? एक्चुअली हमें प्रॉपरली तो अपडेट नहीं है, वकील भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, हमने हिना के लिए अलग से वकील किया है, तो अभी लेट्स सी कि कल अभी कोर्ट में जाके वो क्या करते हैं, हमने उसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल किया है बट अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है, तो अभी शाम को ही दिया है, तो कल तक वेट करेंगे, अगर जो भी प्रोसीजर है अगर वो अग्री करते हैं तो कल बेल हो जाएगा, या फिर जो भी है एज़ पर द कोर्ट लॉज के हिसाब से अगर जो उनका हियरिंग दिया हुआ है जो डेट का, फिर वो डेट तक वेट करना पड़ेगा, सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर वो बोथ द थिंग्स। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्जेस कौन से लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग्स हैं, ये सारे थे, मेडिकल चेकअप भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनको लेके भी गए थे, तो कौन से चार्जेस लगाए हैं और कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या आप वो बता सकते हैं? एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता चला है कि इनके ये लोग का ड्रग टेस्ट रिपोर्ट कराया था, बट जो मुझे सुनने में आया है कि इट्स नॉट लाइक उनका नेगेटिव ही आया है, पॉजिटिव आया नहीं है, बट वी डिडंट गेट द रिपोर्ट येट। एंड दूसरी चीज़ जो ये प्रोस्टिट्यूटिंग एंड ऑल, ये तो फेक ही है या सरासर फेक है, इसको तो मैं ऐसे सोचूंगी भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो तो ये लोग ने एक्स्ट्रा ही एंगल डाल के रखा हुआ है ताकि उनका मीडिया चल जाए, बट जहाँ तक है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब और केस में मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि जस्ट बिकॉज ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज इन्होंने पार्टी एक फार्म हाउस में रखी थी लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने ये छापा लगाया, दैट वॉट दे आर से, बट ये अलग से मीडिया ने जो अलग से ये किया हुआ है कि ये ड्रग एंगल, वो एंगल, प्रोस्टिट्यूटिंग एंगल एंड हुक्का एंगल, आई डोंट नो वो सब क्या है, आई थिंक जो हुक्का मे बी अगर उनके पास हुक्का भी आया रहेगा तो दैट इज़ लाइक आई थिंक सो कॉमन नॉर्मल, घर पे भी हुक्का रहता है तो किसी के घर पे जाके तो आप छापा नहीं मारोगे ना कि आपके घर पे हुक्का है, राइट। सो अगर ऐसा है तो ठीक है, अभी हम वेट ही कर रहे हैं कि जो भी कोर्ट्स के ऑर्डर्स आएंगे हम विल गो अकॉर्डिंग टू दैट, वी वोंट ब्रेक एनी लॉ और एनीथिंग। सो कोर्ट में कब लेके जा रहे हैं, कभी है, डेट कब आई है, और अभी वो हमें कल पता चलेगा हमारे वकील से बात करने के बाद कि क्या है, क्योंकि अभी हमने जो एप्लीकेशन दिए हैं वो हिसाब से उनको हमको तो वेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो चाहिए था कि वो आज ही हम लेके जाए उसको साथ में, बट ऐसा हुआ नहीं, जो हम सोचते वैसा होता नहीं है, तो अभी लेट्स सी अगर ऊपर वाला चाहता है और अगर हमारे अगेंस्ट में हमारे साथ में अगर ऊपर वाला भी है और फ्रेंड्स भी, मतलब कुदरत हमारे साथ है तो फिर हमें रोक भी कौन सकता है यार, मतलब आई थिंक कि मैं वही बोलूँगी कि
अगर गलत नहीं है तो फिर ऐसे सब चीज़ें ठीक भी हो जाती है। एग्जैक्टली नेगेटिव सिचुएशन है लेकिन आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हो ऐसे वक्त में, और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूँ पुलिस लोग इसमें कितना कॉपरेट कर रहे हैं, वो हीना के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं उस पर आप? एक्चुअली हीना के साथ तो ऐसा कुछ बुरा सलूक नहीं हो रहा है, शी इज़ लाइक फाइन। और जो मेन पुलिस है उनसे हमारी बात नहीं हुई है, अदरवाइज जो वहाँ के जो पुलिस जहाँ पे उसको रखा है वहाँ के जो पुलिस वाले हैं दे ऑल आर गुड, दे ऑलवेज सपोर्टिंग हमें। लाइक जब हमने उनके रिक्वेस्ट भी की, एक्चुअली उनके हिसाब से तो अलाउड नहीं है, बट स्टिल दे गेव लाइक फ्यू सेकेंड्स टू लाइक वॉच हर। सो आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने हमें वो चीज़ के लिए सपोर्ट किया। एंड वो भी हमें ये भी बोल रहे हैं, जब हमारी पुलिस से बात हुई तो वही हमें ये भी बोला कि हमें उन्होंने मतलब उन्होंने हीना को जिम्मेदारी दी है कि बाकी लड़की लोग को तुम संभालो, उनको काम करो, बिकॉज वो ही ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे। बाकी लड़कियाँ रो रही है जो भी कर रही है, तो शी इज़ मेकिंग हर सबको काम कर रही है कि कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। सो पुलिस भी लाइक दे आर ऑल्सो लाइक सेइंग कि हीना बहुत स्ट्रांग है एंड डेफिनेटली अगर उसने गलत नहीं किया है तो वो बाहर आ जाएगी। अच्छा okay, तो वो जो चार लोग थे जो मेन पकड़े गए, क्या वो चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए सेम चार्जेस बाकी सारे लोगों पे भी अप्लाई हुआ है? एक्चुअली हाँ, इन्होंने वो चार लोगों पे जो एलिगेशन लगाए थे वो इन्होंने इन पे भी लागू कर दिए एक ही FIR में, जबकि वो उसमें लागू नहीं होते, बट अभी उन्होंने कर दिए। तो अभी 24 आवर्स के पहले ये चार्जशीट मतलब ये जो FIR रहता है वो सबमिट होने से पहले, कोर्ट में सबमिट होने से पहले एक्चुअली वो देखना पड़ता है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबमिट कर दिया वही टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 12 आवर्स में सब कुछ वो लोग ने कर दिया। तो उसके बाद हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, तो वो जैसे ही कोर्ट में चला गया तो वो कोर्ट के प्रोसीजर्स के हिसाब से हमें वो हिसाब से उनका डेट आगे चला गया, तो हमको वहाँ तक का वेट करना ही पड़ेगा शायद से। बट हमने अभी अपना खुद का वकील किया, तो लेट्स सी, हमारे वकील ने भी वही बोला है कि हम अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, हम जैसे भी है प्रोसीजर के हिसाब से ही जाएंगे, बट लेट्स सी हम और क्या कर सकते। सो दे आर जस्ट सॉर्टिंग आउट, बैठ के हम लोग बातें करेंगे अलाउड। राइट, बहुत ही क्रूशियल समय आपकी फैमिली के लिए ऐसे वक्त में, तो वेल आप ऐसे में तो हिम्मत बांधे हुए और लोगों को आप स्ट्रांग भी कर रहे हो। सो जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे उन लोगों को जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और आगे जाके जो है हीना आएगी तब तो उनसे इस पे बारे में बात होगी, लेकिन तब तक के लिए क्या कुछ रिक्वेस्ट आप करना चाहते हो मीडिया और फैंस से? आई जस्ट रिक्वेस्ट फैंस के प्लीज़ उसको भरोसा करो उस पर, मतलब जो मीडिया बोल रही है, जो बाकी की मीडिया बोल रही है, जस्ट डोंट बिलीव दोज वर्ड्स। उसने कुछ गलत नहीं किया है एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग हर यार। और प्लीज़ मीडिया, बाकी के मीडिया, आप लोग के पास मसाला ख़त्म हो गया तो और कहीं पे चाहिए, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज कुछ है ही नहीं। सो अगर आपको कहीं और ट्राई करना है तो कर लीजिएगा, और कोई केसेस इसमें लाना है तो वो भी ला दीजिएगा, बट आई होप दैट यू विल लाइक आई नो यू गाइज विल फेल, एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स हीना पांचाल, जस्ट सपोर्ट हर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट। आप क्या कहना चाहते हो? बस सब फ्रेंड्स लोग का प्यार और हीना को सपोर्ट करना चाहिए, बस वही। और थैंक यू सो मच कि अब तक आप हीना पे विश्वास भी कर रहे हो और विश्वास करते रहो, हीना कहीं पे भी गलत नहीं है। यहाँ से 2 घंटा लगेगा। चलो हमारे घर पे अब खाना खा के जाना।